ये रोशनी और अंधेरे का खेल भी कितना अजीब है। जहां रोशनी के बिना अंधेरे का कोई वजूद नहीं, वहीं अंधेरे के बिना रोशनी का कोई मकसद नहीं। और मैं अंधेरे का राजा धमराज किलरिश इस रोशनी का तो वजूद ही मिटा दूंगा। समस्या तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार है किलरिश, तुम्हारा अहंकार है। रोशनी और अंधेरे की तो कोई तुलना ही नहीं, ये तो एक समान है। तुम चाहे जितना भी जोर लगा लो, तुम्हारे रास्ते में खड़ा शक्तिमान है। Mr. Naveen is the founder and director of Boson Entertainment Private Limited. And जो सबसे खास बात ये है कि जो 3D शक्तिमान आया था उसके ये director थे। It's coming actually. Yeah. So उसके ये director हैं। So he started his career as a 3D animator and in 2010. And उसके बाद he started his journey as an entrepreneur in 2019. So दोनों भी worlds का अच्छे से एक्सपीरियंस है। सो थैंक यू वंस अगेन नवीन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि कुड यू प्लीज शेयर योर जर्नी एज एन आर्टिस्ट एंड एज एन एंटरप्रेन्योर। हाउ डिड थिंग्स हैपन? डिड यू ऑलवेज थिंक फ्रॉम योर स्कूल डेज और कॉलेज डेज दैट यू वांट टू कम इनटू दिस फील्ड और इट जस्ट हैपेंड सम टाइम? या आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू नो एज एन आर्टिस्ट आई स्टार्टेड इन 2010 बट आई जॉइंड दिस इंडस्ट्री इन 2008 but I got my first opportunity in 2010 in Technicolor in Bangalore. So that time it was Paprikas and Paprikas converted into Technicolor recently that, in 2010. So yeah, I started with a very good, you know, opportunity. This time se hum log recession se recently bahar nikle hi the, 2008 ki recession se. So us time pe opportunities bahut kam thi India ke andar. But yeah, you know, few companies in India like Double Negative, that time it was Prime Focus. So, most probably बहुत अच्छी jobs available थी अगर आपके पास skill set अच्छा था। So I got this opportunity in 2010 with Technicolor. After that I moved to Mumbai also. I have been in Mumbai for almost 3 to 5 years and I till 2018 I have shifted almost 10 companies as an artist. So my funda was के कभी भी लॉन्ग टर्म विजन से आप एक हमारी इंडस्ट्री की एक खूबी भी है और एक कमी भी है कि हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है। तो फर्स्ट थ्री और फोर एक्सपीरियंसेस के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि यार क्या मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं है या जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। बट जब आप एक अलग एंगल से देखोगे तो आपको पता चलता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में हो, आपको पता चलता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तब आप सर्च करते हो, एक दूसरी कंपनी में जाते हो, नया कॉन्ट्रैक्ट लेते हो। तो अगर आप अपने आप को आर्टिस्ट समझते हो तो आई थिंक इट्स बेटर टू यू नो टेक दिस एज अ अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आपको जब ऑप्शन मिले कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने का तो आपके पास ऑप्शन हो कि मुझे इसी कंपनी के साथ कंटिन्यू करना है या मुझे दूसरी कंपनी में जाना है। तो क्या होता था कि लोग इस चीज को दे टेक इट एज अ प्रेशर कि भाई मुझे एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी चाहिए, सेटल होना है, शादी करनी है। तो वो सब माइंड में ना रखते हुए अगर आप चलो कि हाँ मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे सिर्फ काम करना है, तो अगर आप ये अपॉर्चुनिटी लेके चलोगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना भी बड़ा अच्छा लगेगा। और यू नो आई विल कम टू दिस साइड ऑल्सो कि जहाँ पे आर्टिस्ट जो है वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं कि आप कैसे अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी इनकम जो है एक नॉर्मल रेगुलर एम्प्लॉय से थोड़ी सी बेटर रहती है। तो या लाइक एंड आफ्टर 2018 आई केम इन द बिजनेस ऑफ द सेम इंडस्ट्री एनिमेशन एंड एंटरटेनमेंट। देन आई रियलाइज्ड कि हाँ यार जो डिसीजन आई टुक नाउ इट्स बेनिफिशिंग मी, सो इट्स बेनिफिशियल फॉर मी एट लास्ट। आई एम नॉट सेइंग के यही फॉलो करना चाहिए, बट हाँ अगर ये फॉलो करते हो तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है एंड यू विल हैव अ ब्रॉड विजन फॉर योर ओन करियर।
आप बिजनेस में भी जा सकते हो और प्रोडक्शन में भी जा सकते हो, बिकॉज इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज यू हैव डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्टाइल्स. सो जो टाटा एलेक्सी जिस हिसाब से काम करता है, असेंबलेज काम करता है, माया डिजिटल स्टूडियो काम करता है, एक्सेंट्रिक्स और टेक्निकलर उस हिसाब से काम नहीं करते. तो सबका अपना एक स्टाइल है. आप हर कंपनी को ट्राई आउट करो, बट डोंट डिच. वो ऐसा नहीं कि जॉब मिलते ही छोड़ के चले गए, या फिर ऐसा भी नहीं कि बेटर ऑफर मिल रहा था तो चले गए. नहीं, बस जस्ट सेटिस्फाई योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. देन अगर आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहा है, आपको मूव ऑन करना चाहिए, देन करो. अगर लगता है कि इसी कंपनी के साथ एंगेजमेंट अच्छा है तो इसी कंपनी में रहो. सो अकॉर्डिंग टू माई जर्नी आई हैव मूव टू ऑलमोस्ट 10 कंपनीज, द मेजर कंपनीज इन इंडिया, और सबसे मेरे अच्छे रिलेशन है. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मुझे आज मैं बात करता हूँ तो वो लोग मुझे बात नहीं करते. सबके साथ अच्छा रिलेशन है. इंडस्ट्रीज दैट इज काइंड ऑफ सो इम्पोर्टेंट कि हम लोग अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को कहीं पे भी बिल्कुल आप ना करें, मेंटेन करके चले. कभी भी नहीं. आपके आपकी प्रीवियस कंपनी इज ऑलवेज योर यू नो रेज्यूमे का भी एक पार्ट होता है, प्लस आपके करियर का भी एक पार्ट होता है, और कहीं ना कहीं आपको आगे जाके फिर से उस कंपनी के साथ जुड़ने का एक मौका मिलता है. लाइक फॉर एन एग्जांपल, आई स्टार्टेड विद टेक्निकलर. सो एंड अगेन आई वेंट बैक टू टेक्निकलर इन 2016. मैंने दो बार किया, एंड दैट टू ऑन अ गुडविल, एंड स्टिल दे आर इन अ गुड कॉन्टेक्ट विद मी. तो आपकी जर्नी आपके हाथ में है. इधर कहीं भी आप अपने आप को प्रेशराइज मत लो. अगर जॉब नहीं भी मिल रही है तो जस्ट बी पेशेंट, कीप ट्राई विद योर कॉन्टैक्ट्स एंड मेक अ गुड रिलेशनशिप विद कनेक्ट विद योर पीपल विद योर कंपनीज. आई हैव रिसेंटली सीन फ्यू पोस्ट ऑन लिंक्डइन जहाँ पे जॉब ना मिलने पे लोगों का फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है, एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस ड्यूरिंग दिस कोरोना सीजन के अभी इस टाइम पे तो इट्स वेरी हेक्टिक एंड वेरी पैथेटिक सिचुएशन आउट देयर इन द इंडस्ट्री. बट स्टिल इफ यू टेक माई पॉइंट ऑफ व्यू, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज अ रिसेशन फ्री इंडस्ट्री. जितना लोग घर पे बैठे हैं वो ज्यादा कंटेंट आपका देखना पसंद करेंगे. Exactly. Make short films, sell your short films, get an idea, make a group of people, group of artists, develop a content. अभी तो OTT platform आ गए हैं जहाँ पे आप जाके direct अपना content sell कर सकते हो. India में Hotstar है, G5 है, Amazon है, Netflix है, सारे platforms हैं. तो आप सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ अपना प्रेजेंटेशन लेके जा सकते हो. दे विल एक्वायर यू, दे विल टेक योर प्रोडक्ट, दे विल प्रमोट यू अंटिल अनलेस एट लास्ट. सो इट्स गुड फॉर अस एज एन आर्टिस्ट भी, एज अ बिजनेसमैन भी. बट एज एन आर्टिस्ट, लाइक मैं 90% आर्टिस्ट हूँ, 10% बिजनेसमैन हूँ आई विल से. और बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मुझे अभी रिसेंटली ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं शक्तिमान को डायरेक्ट करूँ. And the output is coming really nice. Maybe you will see in the future. So I cannot... कब expect कर सकते हैं उसको? It's supposed to come this year because of corona and all. There might be a delay. So those things will be in your touch. वो तो आपको वैसे ही पता चल जाएगी. So soon we will be announcing. Not so soon, but yeah, very soon. Or you will get to know through our website worldswordcreations.com. So it's a beautiful company. Recently, I joined this, like I merged and associated with this company last year, maybe in August 2019. We have a very good producer. They are new in the industry, but yeah, they have, you know, broad vision and clear mindset what to do in this industry. So it's also good. जो नए startups हैं, नए production house हैं, हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो लोग आगे कैसे आएंगे? और जब हम इंडिया की कंपनीज को सपोर्ट करेंगे तभी वो लोग हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे. ग्रेट. सो आपके करियर में ऐसे मेजर माइलस्टोन्स क्या रहे? लाइक यू सेड दैट यू हैव बीन थ्रू 10 डिफरेंट जॉब्स, लेकिन सबसे फिर भी एंड वो दिमाग में ऐसा क्या डिसीजन था कि आपको लगा कि नहीं अब हमको अब एंटरप्रेन्योर बनना है? So basically, milestone in terms of my projects, jin projects mein mujhe kaam karne ko mila, is it okay if I take the names? Are you sure? So Penguins of Madagascar, the TV show was my first project. I started Motu Patlu with Maya Digital Studio in Goa.
So I was there with them in Goa branch for 1 year. Then I worked for Boss Baby recently in 2015. Boss Baby, the show on Netflix. Then I worked for All Hail King Julien, again one of the very famous character from the Madagascar series. So ye mere acche projects mein tha. And again I worked for Lego in Prime Focus. Now it is Double Negative as a company. So I worked for Lego. So these were the very, you know, major projects I have worked for. And once we came to this point ke ab business karna hai, to wo mind mein kaise aaya? You know, after completing 3 or 4 years, there was a time jab India mein bahut che ye ek dar rehta tha companies ke andar. Actually 2013-14 ke baad jab mujhe bhi ye realize hua ki nahi, abhi companies bhi thoda sa trust dikhati hai market mein apne aap ko launch karne ke liye. They are willing to do freelance on a very big scale. वो आपको एक विजन देता है कि नहीं यार, इस इंडस्ट्री में अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप अपना खुद का कंटेंट बनाते हो, अगर आप खुद का कंटेंट डेवलप करके मार्केट में आते हो, तो इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट फॉर एंटरटेनमेंट एज वेल. मतलब जरूरी नहीं है, आज के टाइम पे जो जनरेशन है वो वही देखती आ रही है कि हम लोग मार्वल्स हो गया, डीसी हो गया, उनको फॉलो करते हैं, उन्हीं का ट्रेंड फॉलो करते हैं. हमारी लाइव एक्शन मूवीज में भी आपको झलक देखने को मिलती है उनके एक्शन की, स्टोरी की, सिनेमाटोग्राफी की. पर हमारा खुद का कंटेंट भी है. इट डजंट मीन के हम उनके कंटेंट को ज्यादा देखते हैं कि हमारा खुद का कंटेंट नहीं है. तो इंडियन बेस्ड कंटेंट बनाने के लिए आपको इसके बिजनेस में आना पड़ेगा. आपको समझना पड़ेगा कि इंडियन ऑडियंस को क्या चाहिए और आपके अपने कंटेंट्स को उस लेवल तक ले जाना होगा जहाँ पे कंपेरिजन नहीं, बिलीवेबिलिटी, ओरिजिनेलिटी आए. सो एक्चुअली दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडिया में इज जनरली उतना नहीं हुआ करता था, ऑफ लेट ये थोड़ा सिनेरियो शुरू हुआ है. तो हाउ डू यू, हाउ हैज इट ग्रोन, क्या फर्क पड़ा है पहले से? पहले क्यों नहीं होता था, अभी क्यों हो रहा है और आगे कैसा? पहले भी होता था. लाइक इफ आई डोंट रिमेंबर द ईयर ऑफ द मूवी, द गोल्डन कैंपस. सो इट वाज द पोस्ट प्रोडक्शन डन इन रिदम एंड ह्यूज, द कंपनी वाज इन मुंबई एंड हैदराबाद. तो अच्छा था, उनको भी एक बहुत आई थिंक इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले थे. तो इट डजंट मीन के हमारे पास पहले नहीं था. हम पहले से लेके अब तक और आज भी हम लोग कहीं ना कहीं एक सर्विस कंट्री में हैं. बट दैट डजंट मीन हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे कुछ खास फर्क पड़ता है. हम अपना कंटेंट बनाते हैं, 2D का बनाते आए हैं. आपने बहुत पहले वो सुना होगा, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, वो 2D में बना है, सत्यजीत रॉय के बहुत सारे. बिल्कुल, वो एक चिड़िया का हम लोगों ने 3D रीमेक भी बनाया था पिछले साल हमारे स्टूडेंट्स ने. एग्जैक्टली, मैंने देखा था वो. तो या लाइक वो सब है, सॉरी. तो ये सब है. मतलब इंडिया में कंटेंट को डेवलप करने के लिए आपको इसके बिजनेस में आना पड़ेगा. आपको जस्ट एक आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से सोचने के अलावा आपको ये भी सोचना होगा कि किस तरीके से आप इसको और ग्रो कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे. और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब जाके इंडिया में, लाइक आफ्टर बाहुबली और इस टाइप के जो कंसेप्ट थे, लाइफ ऑफ पाई को हम सब ने प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट करते हैं, तो इंडिया में इसका स्कोप अब बढ़ गया है. आप देखो एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर भी आपको इंडिया में एनिमेशन देखने को मिलता है. आप मूवीज देखोगे उसमें आपको छोटे पार्ट्स देखने को मिलते हैं एनिमेशन के. रिसेंटली बॉलीवुड का सही है, शिवाय आई थी. ठीक है, मार्केट में हो सकता है ब्लॉकबस्टर पे लोगों ने उसको पसंद अपने अपने इंटरेस्ट के साथ किया, बट हाँ स्कोप है. इट डजंट मीन के इंडिया में, या फिर यहाँ से और 5 साल में लेके चलूँ तो इंडिया विल बी कैपेबल टू डू प्रोड्यूस VFX मूवीज एज वेल. आपने VFX के साथ, मतलब एनिमेशन VFX से भी ज्यादा अलग नहीं है. एनिमेशन VFX बोथ आर सेम. बस ये है कि लाइव एक्शन में एनिमेशन को हम यूज करते हैं तो हम उसे VFX बोल देते हैं. अगर एनिमेशन में हम 3D कैरेक्टर्स डेवलप करके कुछ कार्टूनीज बनाते हैं तो उससे एनिमेशन रिप्रेजेंट होता है. बट हाँ, यहाँ पे लोगों को, आर्टिस्ट को ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हमें मल्टीपल वेज में भी जाना पड़ेगा. जो आप देखो कि अगर एक एनिमेशन आर्टिस्ट हो, स्पेशली मैं अभी आर्टिस्ट लेवल पे आके बात करता हूँ कि हम लोग अगर एनिमेशन आर्टिस्ट है, मॉडलिंग आर्टिस्ट है, रिगर्स हैं, तो ये लोग जो होते हैं अपने आप को कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट ना करें टेक्निकली. वो अपने विजन को ब्रॉड रखें, इंडस्ट्री की नॉलेज लेते रहें, फिल्म मेकिंग की नॉलेज लेते रहें, सिनेमाटोग्राफी को समझें,
और इस हिसाब से अपने आप को डेवलप करे के हर आर्टिस्ट 8 साल के बाद बैक हो जाओ अपने एक्सपीरियंस को लेकर उस लेवल तक अपने आप को लेके चलो एंड नेवर गिव अप. अगर जॉब नहीं मिल रही है 6 महीने नहीं मिलेगी 8 महीने नहीं मिलेगी बट उससे आपका स्किल और टैलेंट कम नहीं होगा. तो हमारे यहाँ पे आज करंट सिचुएशन अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊँ 2010 से 2020 के बीच का जो डिफरेंस है उसमें तो सबसे मेजर मेरे अकॉर्डिंग जो आया है वो है यहाँ का स्किल सेट. स्किल सेट हमारा बहुत बेटर हो गया है. 2D में हम पहले से बेटर थे बट 3D में और VFX के अंदर नाउ वी आर वेरी वेरी मच यू नो स्किल्ड. अच्छे कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं लोग, बहुत अच्छा कंटेंट करते हैं. इवन लाइव एक्शन में भी आप देखोगे तो एक बिग बजट मूवी से अब लो बजट मूवी में भी आपको बहुत अच्छा काम देखने को मिलता है. जो हमारा जो यहाँ से जो बेस तैयार हुआ है उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करके फिल्म मेकिंग के अंदर हम आए. एनिमेशन इंडस्ट्री में एनिमेशन फिल्म को हम लोग थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करें. तो मेरा भी प्लान है, हम भी देखते हैं आगे कैसे इस तरीके से हम चल के आगे और इंडिया में एनिमेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं. हाँ, मेरा एक्चुअली अगला सवाल थोड़ा ऐसा था कि अभी COVID-19 का लॉकडाउन दुनिया भर में है तो उससे अपनी इंडस्ट्री को क्या कहेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, कैसा है? देखो देखने का नजरिया तो ये है कि हाँ इम्पैक्ट तो बहुत तगड़ा पड़ा है टू बी वेरी ऑनेस्टली इम्पैक्ट तो पड़ा है. लेकिन हाँ यहाँ से पॉजिटिव साइन ये है कि आप इस पर्टिकुलर टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो और यहाँ से आगे बढ़ते हो. डेफिनेटली काफी आर्टिस्ट होंगे जिन्होंने अपनी जॉब भी सेक्रीफाइस कर दी होगी इस टाइम पे. किसी को हो सकता है सैलरी कट आउट का बेयर करना पड़ रहा होगा. जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा होगा कि यार अभी मार्केट्स में जॉब नहीं है तो फिर आगे यहाँ से कोर्स खत्म करके जॉब कैसे करेंगे. या जो सीनियर हैं, जो लीड्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, जो पे प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, उनको भी ये कहीं ना कहीं होगा कि प्रोडक्शन को कैसे हम लोग खींचेंगे जब आर्टिस्ट ही नहीं रहेंगे मार्केट के अंदर, अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, प्रोजेक्ट्स नहीं रहेंगे. तो थोड़ा तो इम्पैक्ट हुआ है, थोड़ा नहीं काफी इम्पैक्ट हुआ है. बट हाँ पॉजिटिव आप अगर इसको लेके चलते हो तो आप नए कंटेंट्स बना सकते हो, नए प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो जो कि कंपनीज से मैं स्टार्ट करूंगा, जो कि कंपनीज ऑलरेडी हैं जिनके पास एम्प्लॉयज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लोग नए कंटेंट बना सकते हैं नया. ठीक है, बजट वाइज आपको शायद थोड़ा सा डाउन आना पड़ेगा लेकिन ये है कि कंटेंट अगर आप अवेलेबल कराते हो तो आपका कंटेंट सेल जल्दी होगा इस टाइम पे. क्योंकि एनिमेशन के लिए आपको शूटिंग करने की जरूरत नहीं है मार्केट में जाके, लोकेशंस पे जाके. तो अगर आप कंपेयर करोगे तो एनिमेशन का वो टाइम आया है जब आपके पास अवेलेबिलिटी, ब्रॉडकास्टर्स के पास अवेलेबिलिटी ज्यादा है, स्लॉट्स हैं. आप कंटेंट डेवलप करो, उनको कंटेंट दो, वो कंटेंट दिखाएंगे. आप जॉब जनरेट करोगे, नया स्किल डेवलप करोगे, आर्टिस्ट को जॉब मिलेगी. और यहाँ से सबसे बड़ी जो इश्यूज आने वाले हैं वो है स्ट्रेस. हमारे स्ट्रेस लेवल जो है ऑलरेडी काफी लोग डील कर रहे हैं इस चीज से. लेकिन एनिमेशन की खूबसूरती यह है कि मतलब एनिमेशन इंडस्ट्री की खूबसूरती यह है कि आप स्ट्रेस मत लो, कम रखो और अपने आप को क्रिएटिव थॉट्स के अंदर इन्वॉल्व रखो. अगर आप क्रिएटिवली अपने आप को स्टेबल रख सकते हो तो आप स्ट्रेस से ऑटोमेटिकली दूर चले जाओगे. हमारी इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम का स्कोप कैसा है, मतलब क्या घर पे बैठ के भी काम किया जा सकता है जैसे या और स्टूडियो में आना होता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसमें? ओके, व्हेन इट कम्स टू वर्क फ्रॉम होम आई कैन नॉट डिस्क्लोज अदर कंपनीज नेम. बट हाँ लाइक या वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. वी आर गिविंग द पीपल, हम अपना उनको सिस्टम प्रोवाइड करके टेक्निकल सपोर्ट के साथ काम करके रिमोट पे लेके, या बहुत सारे वेज हैं, देर आर मल्टीपल वेज के हम किस तरीके से काम कर सकते हैं. बिकॉज सी कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इट रिक्वायर्स रियली हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशन. जब हम किसी को घर पे अलॉट करते हैं तो इट रिक्वायर्स ट्रस्ट एम्प्लॉयज के तरफ से. जो है ट्रस्ट एक लेवल बहुत बड़ा एक इशू भी है. प्लस मैं बोलूँगा कि 99% हमारे यहाँ पे जो आर्टिस्ट रहते हैं दे आर वेरी डेडिकेटेड. तो उसमें क्या है कि वर्क फ्रॉम होम का जो स्नैरियो है, आई विल जस्ट चेंज माय वर्ड्स के हाँ, वो कम्प्लीटली ट्रस्ट बेस्ड है. अगर आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रस्ट करते हो, दे आर ओके टू फॉलो योर पॉलिसीज, यू आर डेफिनेटली गिव योर वर्क फ्रॉम होम, यू कैन इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स.
इवन एट वर्ल्ड स्पोर्ट क्रिएशंस हम जो अभी प्रोडक्शन हाउस जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट्स को लेके काम कर रहे हैं वहाँ पे भी हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और मेरी नोन में ऐसे बहुत सारे स्टूडियोज हैं, नेशनल इंटरनेशनल स्टूडियोज, जो ये पॉलिसी को यूज कर रहे हैं अभी वर्क फ्रॉम होम की। एंड देर इज यू नो देर आर नंबर ऑफ वेज कि आप टेक्निकल टीम के साथ काम करो मिलके और वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करवाने में जो है पूरी तरीके से सक्षम है एंड इट इज पॉसिबल। अभी लाइक स्टिल वी आर फेसिंग सम टेक्निकल इश्यूज जहाँ पे सिस्टम्स खराब हो जाते हैं या फिर उनको रिप्लेस करना है, उनको सही करना है, तो ये इसके लिए आपको टेक्निकल टीम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और लाइक फॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर आपको आईटी सेक्टर में टेक्निकल टीम जो है बहुत सपोर्टेड है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। हमारे यहाँ पे भी एक जो हमारी जो टेक्निकल टीम है दे वर्क वेरी हार्ड के किस तरीके से वर्क फ्रॉम होम चले, किस तरीके से ये स्मूथली चले। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि हाँ हमारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट से जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कोर्स करते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो जब निकलते हैं वहाँ से तो वो प्रोडक्शन में जाते हैं या फिर वो आर्टिस्ट पे चले जाते हैं। तो आईटी का भी एक बहुत मेजर रोल है जिसमें हम डायरेक्ट आईटी को, ऐसा नहीं है कि कोई आपके यहाँ से कोर्स खत्म करके हार्डवेयर नेटवर्किंग में चला जाएगा, बट यार डेवलपमेंट में आप जा सकते हो, पाइपलाइन डेवलपमेंट एक और एक नया एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे पाइपलाइन को किस तरीके से एनिमेशन प्लस आप बाकी किसी भी फील्ड में आप इंटीग्रेट कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा यू नो स्किल लेवल अच्छा चाहिए, नॉलेज चाहिए। और हमारे एनिमेशन इंडस्ट्री में आपको पता है कितने सारे सॉफ्टवेयर हैं जो सीखने पड़ते हैं, और ऐसा ऐसे कितने एम्प्लॉय मतलब कितने स्टूडेंट्स होंगे या कितने आर्टिस्ट होंगे जिन्हें सारे सॉफ्टवेयर के बारे में पता है। इवन 10 साल 11 साल के बाद हम लोग को भी नहीं पता कि हाँ यार कितने सारे सॉफ्टवेयर नए आ जाते हैं, रोज एक नया सॉफ्टवेयर मार्केट में आता है। तो पाइपलाइन डेवलपमेंट भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। और वर्क फ्रॉम होम के लिए आज के टाइम में हमें जिनकी सबसे ज्यादा कमी है वो पाइपलाइन डेवलपर्स की है अपनी इंडस्ट्री में। ओके, अब हमारा अगला सवाल ये है कि आपके लाइन में आने के लिए स्टूडेंट्स ने किन चीजों का ख्याल रखना है या किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि वो कॉलेज में तो वो सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं जो उनको सीखने होते हैं जरूरी, लेकिन सिर्फ कॉलेज में the huge difference between college ki study plus production house ka jo way of working rehta hai. So I think now it's a time ke jahan pe bahut sare colleges hain, I think aapka college bhi unhi mein se ek hai, ke jahan pe students ko thodi knowledge di jati hai ke kis tarike se wo jab production house mein jayenge, bhale wo chhota ho production house ya bada ho, jahan pe aapko multi level multi प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिल रहा हो, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हो या डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स हो, डजंट मैटर, आप आर्टिस्ट हो, आपको आर्टिस्ट की तरह काम करना है, जस्ट डू योर जॉब विद योर परफेक्शन, पुट योर 100% एफर्ट्स। आपको ये नहीं सोचना है कि किस तरीके से हम जो सीख के आए हैं, हमें जो बोला गया था, हमें जो सिखाया गया था, वो अब यहाँ पे नहीं होता है। बहुत लोगों की ऐसे कंप्लेंट रहती है, ऑब्वियसली मैं भी आर्टिस्ट रहा हूँ, मैंने भी इंस्टीट्यूट से पास करने के बाद ही वहाँ गया था, बट मैं इसी माइंडसेट से गया था या मेरे साथ वाले भी इसी माइंडसेट से गए थे कि जो हमें सिखाया गया, जितना हमें बताया गया है, जितना आपको बताया जा रहा है एज एन स्टूडेंट्स, तो आपको जब जॉब मिलेगी तो आपको ये चेक नहीं करना है कि मेरे साथ वाले की कितने की लगी है, तो उसकी किस कंपनी में लगी है। आपको ये चीज़ का रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जॉब लगी है, आपको एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, हमारी इंडस्ट्री के अंदर 0% सिफारिश जो बोलते हैं ना कि रिकमेंडेशन, देयर इज 0%, क्योंकि जिसका पैसा लगा है, जो कंपनी है, जो प्रोडक्शन है, आप तक आने के लिए, एक पर्टिकुलर आपको एक सीट देने के लिए, एक वर्क स्टेशन देने के लिए, एक मॉनिटर देने के लिए, आपको काम असाइन करने के लिए, देयर इज अ ह्यूज ट्रस्ट क्लाइंट की साइड से। या There's a huge cost involved also. Cost and trust. मैं बोलूंगा cost से ज्यादा trust, क्योंकि जहां अगर आपने trust तोड़ा, cost तो चलो ठीक है, वो आपको हटा के किसी और को बिठा लेगा, लेकिन एक बार वो time निकल गया, वो delivery time निकल गया। अगर कोई show था, जैसे like I was working on Penguins of Madagascar, I was a fresher, other 40 people were all seniors, और वहां पे सबसे बड़ा जो मेरे लिए plus point यही था कि मेरे को सिखाने वाले 40 लोग थे, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे को चल के नहीं आएगा सिखाने के लिए, मुझे जाना पड़ेगा उनसे पूछने के लिए।
सो आपके पास वो लर्निंग का जो एक होता है ना कि अंदर से क्या बोलते हैं, भूख होनी चाहिए अंदर से कि भाई मुझे सीखना है, मुझे हर लेवल पे सीखना है. आप 15 साल के एक्सपीरियंस हो जाओगे तब भी आपको सीखना है. एंड ट्रस्ट मी, पहले 4 साल आप सैलरी के लिए काम मत करना. अगर आप इस इंडस्ट्री में अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ लॉन्ग तक काम करो, देन नेवर एवर वर्क ऑन योर सैलरी. पहले आप आर्टिस्ट लेवल पे स्किल्ड हो जाओ, उसके बाद आप जितना पैकेज मांगोगे आपको सामने से ऑफर आएगा, आपको मिलेगा वो पैकेज. लेकिन अगर आप पहले ही पैकेज के लिए काम करोगे तो उसके लिए आप अटक जाओगे. आप एक टाइम के बाद आपको आदत हो जाएगी पैसा कमाने की, आप उस चीज से निकल ही नहीं पाओगे. तो अभी जो एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ऐसा है कि बच्चे जब शोरीर बनाते हैं या अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो उसमें व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स, या फिर एज एन एम्प्लॉयर आप क्या क्या चीजें देख रहे हैं एक अच्छी शोरीर के अंदर? मैं जब बेसिकली किसी की शोरील वगैरह जब चेक करता हूँ तो मोस्टली, अभी तो नहीं करता, अभी तो थोड़े से जो सुपरवाइजर्स हैं वो लोग चेक करते हैं. बट क्या चेक होता है कि शोरील, मैं आपको एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि मान लो कि हमारे पास एक शोरील आई तो उसमें क्या होता है, सबसे जो मेजर मिस्टेक होता है वो होता है रेज्यूमे के अंदर, कि सबका एक डेडिकेटेड एक स्ट्रक्चर दिखता है हमको कि भाई अभी हमने एक रिज्यूमे चेक किया, सेम स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट हमने रिज्यूमे चेक किया, सेम स्ट्रक्चर है. हमें स्ट्रक्चर नहीं देखना है, हमें आपकी क्रिएटिविटी देखनी है रिज्यूमे के अंदर. हमें देखना है कि आप कितने क्रिएटिव हो. जिसने अपना रिज्यूमे बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, इट मीन्स आपने अपने आप को डिजाइन किया है, आपने अपने माइंड को डिजाइन किया है उस हिसाब से. तो आपका रिज्यूमे, जो आपके जो वर्ड्स हैं जो आप लिखते हो, वो टेक्निकल नहीं होने चाहिए, वो कैजुअल भी नहीं होने चाहिए फॉर श्योर, बट वो टेक्निकल नहीं होने चाहिए. वो मतलब वो एक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार हम सेम चीज पढ़ रहे हैं बस रिज्यूमे का नाम अलग है. हमें वो नहीं देखना, हमें क्या देखना है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो आपको रिप्रेजेंट करे. यू वॉन्ट बिलीव कि मैं जब बोजन में था अपना बेंगलोर में, जब मैंने वो कंपनी स्टार्ट की थी तो वी वेंट फॉर अ कैंपस हायरिंग. वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी, आई वॉन्ट टेक नेम, तो हम लोग वहाँ पे हायरिंग के लिए गए. देर आर मोर देन 60 पीपल जिन्होंने अप्लाई किया था. एंड यू वॉन्ट बिलीव, उसमें से 30 का एक बैच था ऐसा कि सबके जो रिज्यूमे थे उसमें से सिर्फ एक बंदे का रिज्यूमे अलग था, बाकी सबका स्ट्रक्चर सेम था. क्वालिफिकेशन तो डेफिनेटली सेम रहेगी, जब आप कैंपस हायरिंग में जा रहे हो तो सबका प्रोग्राम कोड सेम है, सबका स्ट्रक्चर सेम है, सबका एक्सपीरियंस सेम है, सबकी एज सेम है, सिर्फ नाम अलग है. तो उस पर जज करना बड़ा मुश्किल है. तो उसमें एक बंदा था, उसका नाम था अरविंद. Why I still remember his name after 3 or 4 years. के आपको आपका जो resume जब मैंने देखा, it was completely different. ठीक है, it doesn't mean के वो बहुत अच्छा खूबसूरत दिखना चाहिए, but वो अलग दिखना भी चाहिए, unique दिखना चाहिए. तो सबसे पहले तो resume पे जब हम आ जाते हैं तो वहाँ पे ठीक है, जब हमें hiring करनी होती है तो HR तो पूरा go through करते ही हैं, leads भी go through करते ही हैं. ठीक है, सब गो थ्रू करते हैं. ऐसा नहीं है कि हमने स्ट्रक्चर देखा और हम रिजेक्ट कर देते हैं. नहीं, हम फॉलो करते हैं, हम पढ़ते हैं उसको पूरा. बट ये है कि एक प्लस पॉइंट हो जाता है जब आपका रिज्यूमे थोड़ा सा यूनिक होता है. ठीक है, सेकंड हम आ जाते हैं शोरील के ऊपर. शोरील में एक तो कहीं से कॉपी कंटेंट नहीं होना चाहिए. ऐसा ना हो कि 5 शोरील आ रही हैं तो 5 में सेम कंटेंट है बट डिफरेंट एक्शंस के साथ है. तो वहाँ पे क्या है कि आप हेल्प लो. आप अगर एनिमेटर हो तो आप एक मॉडलर की, एक रिगर की, एक लाइटिंग की, एक कॉम्प आर्टिस्ट की हेल्प लो. हमें एनिमेशन की शोरील में सिर्फ एनिमेशन देखना है. उसको प्रेजेंटेबल आप अपनी इच्छा से बनाना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली, बट हमें सिर्फ एनिमेशन देखना है. अगर हम लाइटिंग की शोरील देख रहे हैं तो हमें वहाँ पे सिर्फ लाइटिंग देखनी है. अगर हम VFX देखते हैं तो हम सिर्फ VFX देखते हैं. हम टेक्निकली जो भी सुपरवाइजर या जो डेडिकेटेड टीम लीड्स होते हैं दे आर कैपेबल कि हाँ उनको जो देखना है वो सिर्फ उसी पे फोकस करें. तो उसको छुपाएं नहीं. शोरील्स में जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है वो यही होती है कि हम जो काम कर रहे हैं हम वो कर भी रहे हैं और उसे हम चाहते हैं कि यार ये इग्नोर हो जाए, ये दिखे नहीं, ये अवॉइड हो जाए. तो
तो मैंने जब अपनी पहली शोरील बनाई थी, आई विल शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैंने मेरी पहली शोरील बनाई थी तो जो फिंगर्स थे, माय ऑल द कैरेक्टर्स वर मूविंग लाइक दिस, बॉडी मैकेनिज्म अच्छा था, फेशियल अच्छा था, बट मेरे फिंगर्स एनिमेशन नहीं था. सो बैक दैट टाइम, के उस टाइम पे मुझे सामने से किसी ने ये बताया भी नहीं कि सर के आपकी जो है फिंगर्स एनिमेशन अच्छा नहीं है या फिर आपके फिंगर्स स्टिल क्यों हैं. आफ्टर 3-4 years जब मैंने वो शोरील दोबारा देखी तब मैंने उसमें खुद ही करेक्शन ढूंढा. तो आपके शोरील के अंदर पर्टिकुलर आप रिप्रेजेंट हो, आप अपने एक्टिंग वीडियोस शूट करें, उसको एनिमेट करें, आप अपने घर का रेफरेंस लें, अगर आप मॉडलिंग टेक्सचरिंग लाइटिंग कर रहे हैं, अपने अपने गांव का, अपने शहर का, जहां भी आप रहते हैं वहीं का पर्टिकुलर एक ओरिजिनल सीन उठाएं और उसी को बनाएं, तो उससे क्या होगा, उससे आपको करने में बड़ा मजा आएगा, शोरील बनाने में बहुत मजा आएगा. और जब आप शोरील बना लोगे तो उसको जस्टिफाई कर पाओगे. कोई भी रिक्रूटर होगा, कोई भी HR होगा, लीड होगा, प्रोडक्शन वाला होगा, वो आपको देख के सबसे पहले आपसे यही पूछेगा, यार ये लोकेशन किधर है, लोकेशन कहाँ है. काफी इंटरेस्टिंग बात है आपने. ठीक है. और जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे हो, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप बहुत रिलैक्स रहो, बहुत काम रहो, माइंड फ्री रहो, स्ट्रेस नहीं दिखना चाहिए. डेफिनेटली आपके अंदर स्ट्रेस होता है, आप नर्वस होते हो, जॉब के लिए जाना इट्स नॉट अ ईजी थिंग. जॉब के लिए जब सब जाते हैं सब नर्वस होते हैं, हम भी थे, आप भी थे, हमारे बुजुर्ग एनिमेटर्स भी थे, बुजुर्ग आर्टिस्ट भी थे, ठीक है, आने वाले भी होंगे, सब नर्वस होते हैं, एंड इट्स वेरी नेचुरल, इट्स अ ह्यूमन नेचर. लेकिन उससे कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो, जाओ हेलो करो, इंट्रोडक्शन करो, बी काम, बी कैजुअल, बी काम, बट डोंट बी ओवर कैजुअल डेफिनेटली. तो चलिए नवीन जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, कई सारी इनसाइट्स आपने शेयर की अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के, इंडस्ट्री का क्या सिनेरियो है उसके बारे में, एंड आई एम श्योर दैट दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर आवर स्टूडेंट्स. सो थैंक यू. होपफुली अगर किसी को बेनिफिट होता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी देन आई मींस. नहीं नहीं जरूर होगा. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन नवीन फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस इंटरव्यू.